नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबको स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 6 दिसंबर से, तो आप लोग लगे ही होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो वन टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आती हूँ, ठीक है, उसमें एक टॉपिक है NCERT। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये एक प्रोग्राम चलाया गया था जो वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, और किसमें? हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, आपके जून की में एग्जाम हुए थे उसमें भी देखे गए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तनकारी सुधारों की परिकल्पना की गई, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें लाई गई जो हायर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्लास 5th के बाद ही वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है, मतलब जब बच्चा क्लास 5th में जाएगा उसके बाद जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो वहीं से उसकी वोकेशनल एजुकेशन भी साथ साथ में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए कर दी जाएगी कि जब तक वो अपने ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसको अपनी जो कह सकते हैं कि जॉब वगैरह में कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए तो आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कौन सी क्लास के बाद वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उस शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करता है जो 21वीं सदी के कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान आदि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देती है। अब 21वीं सदी के कौशल क्या है? बहुत सारे हम लोगों ने जो वन शॉर्ट वन टॉपिक वीडियो किए हैं वहाँ पे कई बार मैंने 21वीं सदी को भी मेंशन किया है। ठीक है, 21वीं सदी के जो भी स्किल्स हैं, मतलब कि जो ICT से रिलेटेड हैं चीज़ें, कि आपको बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो अपनी जो थिंकिंग है उसको उसमें और क्रिएटिविटी ला सके। ठीक है, अपने तरीके से चीज़ें सोच सके, और वोकेशनल एजुकेशन भी इन सब में इसीलिए रखी गई है क्योंकि जब बच्चा अपने हिसाब से चीज़ें कर पाएगा, अपनी थिंकिंग को और बढ़ा पाएगा, तो अपने आप ही वो कोई ना कोई फील्ड में जाने की कोशिश भी करेगा जो उसका मन होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा इसीलिए कोई स्ट्रीम का आप लोग देख सकते हैं कि बाउंडेशन नहीं रखा गया है। ठीक है, नीति उम्मीद करती है कि 2020 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यवसाय शिक्षा का अनुभव हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है कि 50% जो शिक्षार्थी हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन का कोई ना कोई चीज़ करवाई जाए, मतलब उनको एक ना एक कोई वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें आती हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी गई है, मतलब कोई भी स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है, बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद रिफॉर्म बोर्ड एग्जाम लर्निंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग विल बी एम्फेसाइज्ड। इसके बाद है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, वही बात की गई है कि आप जैसे 1 साल का अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आप अगर और कुछ करना चाहते हैं तब कर सकते हैं, फिर आप जब दोबारा एंट्री करेंगे तो आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने छोड़ा था। ठीक है, और वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट हुई है? यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्लास 5th से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मतलब क्लास 5th के बाद ही बस आपको वोकेशनल एजुकेशन दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक संस्था भी बनाई गई HECI जो कॉलेज हायर एजुकेशन से रिलेट करेगी। ठीक है, नो लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। स्टडी इन योर रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5th, मतलब क्लास 5th तक रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई की जा सकती है, उसके बाद भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे फिर इंग्लिश भी आपको थोड़ी थोड़ी बताई जाने लगेगी। ठीक है, इसके बाद है प्रोविजंस फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन NEP 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की चुनौतियों
का समाधान करता है, इसे कम करने का प्रयास करता है। व्यावसायिक शिक्षक को क्यों रखा गया है कि जो भी आगे जाके स्टूडेंट के सामने दिक्कतें आती हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हायर एजुकेशन के बाद भी जॉब के लिए काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको ही खत्म करने के लिए ये चीज़ रखी गई है। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के सैद्धांतिक भाग को त्याग देता है और केवल व्यावसायिक पहलुओं को पढ़ाने पर जोर देता है, ठीक है। इसके व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक संरचित बनाने के लिए नीति किसी विशेष क्षेत्र के प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आवंटित करने के लिए उचित कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों की मैपिंग करने की सिफारिश भी करता है। इसमें मतलब बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं जो इस सब पे काम करती हैं, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रेडिट आधारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जो क्या है NSQF पर भी जोर देती है, जिसे 2023 में पेश किया गया था, ठीक है। इसके अंदर रूपरेखा नामांकित छात्रों की पूर्व शिक्षा के मूल्यांकन में मदद करेगी, जो बदले में उन्हें व्यवहारिक अनुभवों और रूपरेखा के उचित स्तर को संरेखित करके मुख्य धारा की शिक्षा से ड्रॉप आउट को फिर से एकीकृत करने में मदद करेगी। मतलब ड्रॉप आउट जो लोग बच्चे कर जाते हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि वो लोग भी वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू अपनी चीज़ें और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या क्या निर्देश दिए, सारी चीज़ें लगभग हो ही चुकी हैं कि वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को उस हिसाब से ही पहले से ही तैयार किया जाएगा कि आगे उन्हें जॉब वगैरह के लिए कोई दिक्कत ना आए। क्लास 6 मतलब क्लास 5 के बाद क्लास 6 से व्यवसायिक एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, छात्र को कम से कम एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए, मतलब एक कोई ना कोई व्यवसायिक पाठ्यक्रम रखा जाएगा जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जो NCIV कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट इन वोकेशनल एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस मिनिस्ट्रीज टू डेवलप डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। जो NCIVE बनाया गया है वो मेन जो हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है उस पर काम करेगा, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए फोकस क्षेत्रों को कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर चुना जाएगा। मतलब जैसे आपने देखा है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो केवल अलग से व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम रखते हैं, जिसको जैसे ग्रेजुएशन अगर व्यावसायिक शिक्षा में करें तो उसको VVOC इस प्रकार से नाम होता है। मतलब पूरा ग्रेजुएशन ही आपका वोकेशनल एजुकेशन में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें अलग से भी की जा रही हैं, और जितनी भी संस्था जो व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देती हैं वो सब कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड होके वर्क करेंगी, जिससे कि बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो वहाँ से अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। MHRD इस प्रयास की देखरेख के लिए उद्योग के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की एक राष्ट्रीय समिति जिसको क्या बोलते हैं NCIV का गठन करेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जो आपका NCIV है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, MHRD के द्वारा ये चीज़ की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक तो जो वोकेशनल एजुकेशन जुड़े हुए संस्थान है वो भी इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा जो आपका मंत्रालय है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे सूक्ष्म उद्यमिता मंत्रालय है और अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्र में कपड़ा मंत्रालय है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी मंत्रालय हैं वो सब भी इस पे मिलके ही काम करेंगे, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। मतलब सारे जो शिक्षा संस्थान है उसमें ही एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेटेड मतलब मिला दिया जाएगा। जैसा कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम कितने 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा, ठीक है। ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक कम से कम कितने 50% जो शिक्षार्थी हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपीरियंस होगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। ये सतत विकास लक्ष्य 4.4 जो आपके SDG गोल हैं,
ठीक है, उसमें जो गोल नंबर 4 है, ठीक है, तो उस पे ये ध्यान में रख के ये चीज करी गई है, जिससे कि वो गोल भी पूरा किया जा सके, कि अनुरूप और भारत की जनसांख्यिकी लाभांश की पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा। सकल नामांकन अनुपात, जिसको GER बोलते हैं, लक्ष्य पर पहुंचने के दौरान व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों की संख्या पर विचार किया जाएगा, मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है, किसमें, व्यावसायिक शिक्षा में। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थान या तो स्वयं या उद्योग और गैर सरकारी संगठन NGO के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे, मतलब उच्च शिक्षा संस्थान है जो NGO वगैरह चलते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो सब व्यावसायिक शिक्षा पे काम करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता के विभिन्न मॉडलों को भी प्रयोग किया जाएगा। उद्योगों के साथ साझेदारी में उच्च शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, मतलब जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा ऐसे भी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया 2013 में बैचलर ऑफ वोकेशन, ये ऐसी डिग्री का प्रारंभ हो चुका है जो 4 वर्षीय होती है। ठीक है, और ये कैसी बहुविषयक है, मतलब कोई भी 4 आप वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें ले सकते हैं, तो वो पूरी बैचलर डिग्री ही उस पर डिपेंड होगी, मतलब आपको वोकेशनल एजुकेशन में बैचलर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन वोकेशनल NCIV, यहाँ पे आपको याद रखना है कि MHRD के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, और फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखनी, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ग्रॉस एनरोलमेंट है कि स्नातक, इसमें एक टर्म भी यूज किया गया है, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट, जो लोग वोकेशनल एजुकेशन में आगे पढ़ाई करेंगे, जैसे बैचलर हो गया आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें लाने की बात की जा रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि उनको अलग से ही वोकेशनल एजुकेशन में परिपक्व किया जाएगा। ठीक है, इसका ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब उसमें भी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, डिग्री दिया जाएगा, डिप्लोमा प्रमाण पत्र के लिए उच्च शिक्षा योग्यताओं का वर्णन कौन करेगा, NHEQF द्वारा ऐसे सीखने के परिणामों के संदर्भ में किया जाएगा, मतलब वो चेक करेगा कि जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से जो भी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें आप परिपक्व हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं भी काम करेंगी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ICAR है, VCI है, NCT, इसके बाद काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है आपका, NCVET, ये क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एक SC आपका SCVET भी होता है, जैसे आपने देखा है पॉलिटेक्निक्स होती है, वहाँ पे कितनी सारी वोकेशनल एजुकेशन को लेके चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फिटर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसी प्रकार से ITI होता है, ITI में भी आपको यही सब चीज़ों पे काम करवाया जाता है, टेक्सटाइल वगैरह होता है, तो ये सब किससे रिलेट करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन से ही रिलेटेड है, तो ये सब मिलके एक जगह पे काम करेंगे। ठीक है, वे उच्च शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उन्हें GEC के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, मतलब जो संस्थान इन सब पे काम करते हैं उनको यहाँ पे शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेन जो NCIV है वो किस लिए, हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को कैसे और अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आपके पॉलिटेक्निक है, ITI है, इसके बाद BTech भी आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से होता है जो वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और अलग से ही वोकेशनल बैचलर इन वोकेशन प्रोग्राम भी रखा गया है, कब से, 2013 से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में की जा रही हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, वेटेज वगैरह कौन, इसके सारे लेवल कौन करेगा, ये आपको याद रखना है, NSQF। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के क्लासेज अपडेट के लिए बने रहिए। HN अध्ययन से, धन्यवाद।